जो को परेशानी होती है, कई जगह ऐसे हैं जो गड्ढे हैं और कहीं गाड़ी पलट जाती है, तुम फंस जाए जंगल में तो घंटों जाम लगता है। अध्यक्ष महाराज ये बात कह रही है सही है, मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। पहले कहा था जब BOT में अटका था तो कोल इंडिया से पैसे मांगकर कुछ रोड को करने की बात आई, फिर वो कोल इंडिया के प्रस्ताव आए। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 को लेकर राज्यसभा में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मैं खुद बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं क्योंकि इस सड़क का काम पिछले 15 साल से चल रहा है। इस सड़क को लेकर जब MP तक की टीम ने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सड़क की खराब हालत की वजह से लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। मरीज को अगर अस्पताल ले जाना पड़े तो बीच में ही दम तोड़ देता है। 2 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा होता है। कई गाड़ियों के पार्ट्स रोज आए दिन सड़क पर टूट जाते हैं जिसकी वजह से वाहन मालिकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो नहीं सही है, लेकिन कई जगह ऐसे है जो कि मतलब आने जाने में यात्रियों को परेशानी होती है। कई जगह ऐसे है जो गड्ढे हैं और कहीं गाड़ी पलट जाती है, तुम फंस जाए जंगल में तो घंटों जाम लगता है। हाँ, कहीं जाम लग गए तो लग गए, खड़े हैं तो खड़े हैं घंटा, अभी खड़ी थी जाम लगा घंटा। रोड में चलना मुश्किल है, गाड़ियों में डेली तोड़ फोड़ हो रही है और रोड की वजह से मान के चलिए कम से कम 2000 का डीजल ज्यादा लगता है पर डे एक गाड़ी। आपको बता दें कि रीवा से रांची को जोड़ने वाला सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 सीधी से सिंगरौली तक 110 किलोमीटर की दूरी तक बन रहा है। इसका काम पिछले 15 साल से जारी है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसका काम गैमन इंडिया कंपनी को मिला था लेकिन बीच में अधूरे में छोड़कर कंपनी चली गई। दोबारा टेंडर हुआ तो तिरुपति कंस्ट्रक्शन कंपनी 2 साल बीत जाने के बावजूद भी काम नहीं कर पाई। सड़क का काम अधूरा होने की वजह से इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक 99% काम पूरा हो जाएगा। सिंगरौली से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।